मानसून के खतरनाक स्पेल की एंट्री, शेरेखान में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी, सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया था, कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। शहरी इंतजामिया की लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। हैदराबाद ठटा मटियाली बदीन थरपारकर में भी तूफानी बारिश। सांगर दादू नवाबशाह मीरपुर खास में भी बादलों की घन सेवन और दीकर तहसीलों में सैलाब, 50 देहात से रेआब, जमीनी रास्ता मुनकता। पंजाब में भी बादलों के डेरे, मुख्तलिफ मकामात पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश। लोधरा झेलम में खूब अबर बरसा, नशीबी इलाके डूब गए। मुल्तान में डेढ़ घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, 5 दिहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। निजाम में जिंदगी दर हम पर हम, बिजली फराहमी मौतल, कई बस्तियां अंधेरे में डूब गईं। लाहौर सफदराबाद खान का डोगरा, भावलनगर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, बलूचिस्तान में भी बादल जमकर बरसे। बिजली के बाद ही भरकम बिल और टैक्सेस के नफाज के खिलाफ ताजर तनजीमों की जानिब से आज मुल्क की हड़ताल, कराची से खैबर तक कारोबारी मराकज बंद। जमात इस्लामिया GUI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की हिमायत है। ऑल टैंकर एसोसिएशन ने का भी साथ देने का ऐलान। बस बहुत हो गया, दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया, फौज पाकिस्तान को तमाम वसाइल फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक ऐलान कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास में कहा, दुश्मन कुव्वतें चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना चाहती हैं, दहशतगर्द सीपेक को निशाना बनाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का परचम उठाया गया इसके लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। काबीना ने ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपये की मंजूरी दे दी। फितना अल खारिज को बड़ा धचका, सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला खैबर के इलाके वादी तीरा में बड़ा इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। खारिज के सरबरा अबू जर उर्फ सद्दाम समेत 25 खारजी मारे गए, 11 जख्मी। आईएस बिहार के मुताबिक दहशत गर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन, कहा कि शहीद जवानों को पूरी कौम खराज की दर पेश करती है। और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी बगावत केस में नई फर्द जुर्म आयद है। खबर एजेंसी के मुताबिक इस तखासा ने नजरसानी शुदा फर्द जुर्म में वही 4 इल्जाम दायर किए। ट्रंप पर अपनी इंतखाबी शिकस्त की तस्दीक को रोकने के लिए कसीरुलजहती साजिश का इल्जाम आयद किया गया। केस को एक नई ग्रैंड ज्यूरी के सामने पेश किया गया। ट्रंप के वकला ने फौरी तौर पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।